नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक है। मेरी कश्मीर सीरीज वाली वीडियो आप जरूर देख रहे होंगे। तो मैंने अब तक 4 वीडियो डाले हैं, तो अब अगला वीडियो मेरा आ रहा है पहलगाम के ऊपर, वो भी मैं जल्द ही डालने वाला हूं। मेरा सारा पहलगाम का जो ट्रिप था वो मैं डालूंगा, काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आप जरूर देखिएगा। उससे पहले, पहलगाम वीडियो से पहले मैं एक छोटा सा वीडियो डालने वाला हूँ, और ये वीडियो मैं डालूंगा हाउस बोट के ऊपर। जिस हाउस बोट में मैं रुका वो हाउस बोट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो है, तो इसको बिना स्किप करे आप पूरा देख लीजिएगा। आप अगर कश्मीर आ रहे हैं, आप श्रीनगर आ रहे हैं, तो आप इस हाउस बोट में ठहर सकते हैं, आप इस हाउस बोट में रुक सकते हैं। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन हाउस बोट है, और इसके ओनर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी होमली है। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप घर छोड़ के आए हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हो। तो ये जो हाउस बोट है, इस हाउस बोट का नाम है सी हॉक, ये हाउस बोट है। और ये जो हाउस बोट है ये श्रीनगर डाल लेक के घाट नंबर 8 के जस्ट ऑपोजिट में है। तो काफ़ी अच्छा है, शांत है, माहौल बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको भी दिखाऊं, ताकि आप अगर आए तो इसे आप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब अच्छा है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ। तो ये वीडियो आप देखिए, और सी हॉक जो हाउस बोट है उसको आप पूरा देखिए। मैं इस हाउस बोट के जो ओनर हैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको डायरेक्टली कॉल करके हाउस बोट बुक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी दिखाती नहीं है, सोल्ड आउट दिखाता है, लेकिन आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और इनसे हाउस बोट बुक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जब बुक किया था तो मैंने ऑनलाइन देखा था, तो ये ऑनलाइन में सोल्ड आउट दिखा रहा था, बाद में जब मैंने कॉल किया गूगल से नंबर निकाल के तो अवेलेबल था। तो इस तरह, इसीलिए मैं नंबर और डिटेल सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको यूज़फुल है, अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से देख के आप कॉल कर सकते हैं और इसे बुक भी कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। वो जो देख रहे हैं आप वो है सी हॉक, ये वाला, ये है सी हॉक। ये डल लेक के जो घाट नंबर 8 है उसके ठीक सामने है सी हॉक। चलिए चलते हैं, और इसे से अभी क्रॉस होना है, नाव से क्रॉस होना होगा हमें। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये देखिए अच्छा से यहाँ पर बेलकनी टाइप बना हुआ है, और इस साइड में थोड़ा सा गार्डन और कुछ टेबल कुर्सियाँ रखी हैं जहाँ बैठ के आप खा भी सकते हैं। सारा कुछ अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छा है, शानदार है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये रिसेप्शन एरिया है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वुडन वर्क सारा कुछ, सारे यहाँ पर कुर्सी टेबल सोफे वगैरह सारे रखे हुए हैं। और अंदर घुसते ही ये एक डाइनिंग टेबल रखी हुई है जहाँ पर बैठ के आप ब्रेकफास्ट वगैरह करवाते हैं, आप कर सकते हैं। और ये सारा अलमीरा वगैरह अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। जनरली एक हाउस बोट में शायद 3 से 4 ही रूम होते हैं, तो हमारा लास्ट वाला है, तो लास्ट वाले में चलते हैं हम लोग रूम नंबर 3 के ओर। और ये है इसका रूम, और एकदम शानदार रूम है। अंदर आते ही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि बहुत ही बढ़िया रूम है, और मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन, अच्छा साफ, बेड्स वगैरह सारे बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे लगा काफ़ी अच्छा रूम है। और 2 बेड है इसमें, काफ़ी अच्छा एसी लगा हुआ है, हर चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बाथरूम देखिए आप, बाथरूम छोटा सा ही बाथरूम है, लेकिन काफ़ी अच्छा बाथरूम है, नीट एंड क्लीन, मतलब बहुत ही अच्छा बाथरूम है इसका। मुझे इस मतलब इसका अच्छा क्या लगा, देखिए बेड देखिए एकदम नीट एंड क्लीन साफ, और बेडशीट इतना क्लीन, और ये देखिए पीलो जितना क्लीन, ये कलर कॉम्बिनेशन एकदम नीट एंड क्लीन, और इसका इतना अच्छा स्मेल आ रहा है पूरे मतलब हाउस बोट में ही, एंटर हाउस बोट में इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, बोलने से तो लाइटें देखिए ऐसे जल रही है, एम्बियंट लाइट भी है, एसी भी लगी हुई है, टीवी है आपके पास यहाँ पर, और एक सारा वुडन वर्क है, आप देख सकते हैं लाइटें, सारा वुडन वर्क है, काफ़ी मतलब एकदम यहाँ लगेज रखने के लिए यहाँ पर है। और ये पता नहीं खुल नहीं रहा है अभी, मैं ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहता क्योंकि ये वुडन है, टूट ना जाए, एक लाल मीरा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ देखिए 2 बेड्स है, ये एक अच्छी बात है, 2 बेड है, तो मतलब 4 पर्सन आराम से अगर
रह सकते हैं, यहाँ दो, वहाँ बच्चे रह सकते हैं, ऐसा मतलब यहाँ दो एडल्ट या टू चाइल्ड मतलब मिलकर रह सकते हैं, अच्छी बात है। ऐसे दो बेड हैं, एक बड़ा बेड एक छोटा बेड। इस हाउस बोट का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, इस हाउस बोट का ये है कि जो ओनर है इतने अच्छे जेंटल है। मेरे बेटे ने क्या है कि सुबह 5:30 बजे वोमिटिंग करी, मतलब उसने अगले दिन पिज्ज़ा ये चाउमीन पता नहीं क्या क्या मफिन बहुत कुछ खाया, तो उसके कारण से वोमिटिंग करी, बेड में सारा वोमिटिंग करा। लेकिन इनके जो ओनर है उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बच्चा ऐसा ही है, तो उन्होंने एक भी कुछ भी नहीं बोला, इतना हंसी हंसी करके इतना अच्छा किया, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये आप वर्थ है मतलब रहने के लिए, सी हॉक आपको चूज़ करना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन आप सी हॉक चूज़ करो, अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे मिल जाएंगे, अच्छे में तो रहो आप मैं बोलता हूँ, लेकिन सी हॉक आप चूज़ करो, अच्छा लगा मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आके रहा, रूम मुझे अच्छे लगे, रूम सब अच्छे हैं और सारा मतलब इनका जो हाउस बोट है वो अच्छा है, प्लस इनके ओनर और इनके जो स्टाफ एम्प्लॉय जो है वो अच्छा है, प्लस मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है सी हॉक्स। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।